धनोरा थाना क्षेत्र में थाने की टीम के द्वारा 10 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके कब्जे से विस्फोटक पदार्थ बनाने की जो सामग्री है वो प्राप्त हुई है। और ये इनसे पूछताछ जब की गई है तो जानकारी हुई है कि ये विस्फोटक पदार्थों की तस्करी करते थे, और 3 और इनके साथी हैं जो कि फरार हैं, उनकी गिरफ्तारी का प्रयास चल रहा है। और इनके पास से जो बरामदगी अभी हुई है, 3 कट्टे जो है बारीक कोयला बरामद हुआ है, 11 कट्टे पोटास बरामद हुआ है, 25 कट्टे गंधक बरामद हुआ है और 4 पेटी एल्युमिनियम पाउडर बरामद हुआ है। इसके अलावा जो वाहन है वो इनसे ट्रैक्टर ट्रॉली और जो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल है वो बरामद हुई है, जिनका यह घटना में इस्तेमाल करते थे। कार्रवाई कराई जा रही है। सीओ साहब, आज जो है खुलासा हुआ है, क्या मामला? आगामी दिवाली पर्व में दृष्टिगत अवैध विस्फोटक पदार्थ की तस्करी करने वाले और तथा अवैध पटाखा फैक्ट्री चलाने वालों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना धनौरा पुलिस द्वारा 4:25 की रात्रि को लगभग 2:30 10 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, तथा जिसमें 3 अभियुक्त मौके से फरार हो गए। इनके पास से एक ट्रैक्टर जिसमें 3 कट्टे बारीक कोयला जिसका वजन कुल 120 किलोग्राम था, तथा 11 कट्टे पोटाश जिनका वजन 440 किलोग्राम था, तथा 25 कट्टे गंधक जिनका वजन कुल 1000 किलोग्राम था, तथा 4 पेटी एल्युमिनियम पाउडर जिनका वजन 80 किलोग्राम था, और 1 स्प्लेंडर मोटरसाइकिल बरामद हुई। इनके विरुद्ध 411/21 धारा 2/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम का अभियोग पंजीबद्ध कराया गया, तथा इनको जो है न्यायालय पेश किया जाएगा। इसकी कीमत कितनी होगी जो माल पकड़ा? इसकी कीमत लगभग 3.5 लाख रुपये होगी। जो है 10 अभियुक्त है, इनका कोई आपराधिक इतिहास? इसका आपराधिक इतिहास जो है दिखाया जा रहा है।